आजादी मार्च रुकवाने की कोशिशें, हुकूमती मुजाकराती टीम का JUI से पहला बाजाबता राबता। हुकूमत की मुजाकराती टीम आज रात 8 बजे अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात करेगी। सादिक संजरानी भी आज मुलाकात में परवेज खटक के साथ होंगे। JUI के सेक्रेटरी जनरल से राबता चेयरमैन सेनेट ने किया, दोनों के दरमियान डेडलॉक खत्म करने पर इत्तेफाक। उधर JUI रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह कहते हैं मुजाकरात के लिए जो भी आए इमरान खान का इस्तीफा लेकर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफा नामुमकिन है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया। उधर वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने मौलाना के जायज़ मुतालबात तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 5 रोजा दौरे पर जापान रवाना, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियाँ संभाल ली। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सदर आरिफ अलवी 24 अक्टूबर को वतन वापस लौटेंगे। ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए कौमी हॉकी टीम का 19 रुकनी दस्ता हॉलैंड रवाना, रिजवान सीनियर टीम की क्यादत करेंगे। वक्कार, अमजद अली, मुबशर अली, इमाद भट्ट रिजवान अली स्क्वाड का हिस्सा। हॉलैंड के खिलाफ मैच से कबल कौमी टीम जर्मनी से 2 प्रैक्टिस मैच खेलेगी। क्वालिफायर्स की फातिह टीम ओलंपिक्स गेम्स टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाई करेंगी। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कलर सैदा के मुजस्मा सास की उंगलियों में कमाल के राज, फरुख शाह के मट्टी से तख्लीक करदा शाहकारों की मुल्क भर में धूम। फरुख के फन पारे आर्मी म्यूजियम, लोक विरसा और सेनेट म्यूजियम की शान। आपको बताएं कि बिहाड़ी में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से ताजरों ने खुद साख्ता महंगाई कर रखी है। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से आवाम अशिया खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से जानते हैं बिहाड़ी में हमारे नुमाइंदे आमिर अली जैन से। आमिर बताइएगा कि इन ताजरों को रोकने वाला कोई है? जी बिल्कुल, विहाड़ी में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर है और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई थी वो गैर फाल होने की वजह से यहां पर जो है वो निरखों में कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो ताजर बरादरी जो है वो रेट लिस्ट से जायद कीमत में ये फरोख्त कर रहे हैं, जबकि जो खरीदार हैं शहरी हैं जो वो जायद कीमत में अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर है। यहाँ पर अगर फ्रूट की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए और उसके अलावा दीगर अशिया खुर्दनोश की जो बात की जाए तो विहाड़ी में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से और जिले इंतजामिया का किरदार ना होने की वजह से जो ताजर हैं वो खुद साख्ता महंगाई किए हुए हैं। इस हवाले से जब हमारी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से बात हुई तो वो कोई खातर का जवाब ना दे सके हैं, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है और वजीर आला पंजाब से विहाड़ी में खुद साख्ता महंगाई खत्म करने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। और वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए पोलियो बाबर बिन अता ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, बड़ी बेजाब्तगियां भारी, खैबर पख्तूनख्वा पर सोशल मीडिया टीम भी रखी थी। पोलियो प्रोग्राम को भी सियासी रंग दिया, जराए का कहना है कि बाबर बिन अता ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया था। 92 न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता चला लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फहीम अख्तर। फोकल पर्सन ब्राय पोलियो बाबर बिन अता के बारे में होश रुबा इंकशाफात। वजीर आजम के फोकल पर्सन ब्राय पोलियो बाबर बिन अता ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि लिया गया था। जराए के मुताबिक बाबर बिन अता ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, बड़ी बेजाब्तगियों में मुलविस पाए गए। उनके खिलाफ खुफिया रिपोर्ट वजीर आजम हाउस को मौसूल हुई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने भी वजीर आजम को खसूसी रिपोर्ट पेश की, जिस पर उन्हें वजीर आजम ऑफिस बुलाकर 12 घंटों के अंदर ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया गया।
बाबर बिन अता ने वजीर आजम ऑफिस और हुकूमती ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, पोलियो मुहिम को मस्नूई तौर पर जान बूझ कर तवालत दी, पोलियो केसेस से मुतालिक गलत और बेबुनियाद रिपोर्ट्स जारी की गयी, पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वालों का रेट 2 लाख से 25 लाख तक पहुँच गया, सिंध बलोचिस्तान और पंजाब को मुकम्मल नजरअंदाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में मर्जी के DHOs की तैनाती के लिए इंतजामिया पर दबाव डाला, कौमी मीडिया और सोशल मीडिया पर जाती तशहीर की गई, सोशल मीडिया टीम में दोस्त और रिश्तेदारों को भारी तनख्वाहों पर रखा, आलमी डोनर्स के इदारों में जाती फायदे के लिए लॉबिंग भी की। फहीम अख्तर, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अरब शहजादों पर मेहरबान है, नायाब परिंदों के शिकार की इजाज़त दे दी है। वफाकी हुकूमत ने अमराती सदर शेख खलीफा बिन जैदुल नहान को शिकार की इजाज़त दे दी। अमराती हुक्मरान पाकिस्तान के 3 सूबों में तलोर का शिकार करेंगे। 92 न्यूज़ को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक वजारत खारजा ने 15 अक्टूबर को अमराती सफारतखाने को आगाह किया। वजारत खारजा ने सीज़न 2019-20 के लिए शिकार की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। अमाराती हुक्मरान पाकिस्तान के 3 सूबों में तलोर का शिकार करेंगे। पंजाब में रहीम यार खान, राजनपुर और चकवाल अरबों की शिकार गाहें बनेंगी। इसके अलावा अरब शहजादे सिंध में भक्कर, घोटकी, सांगड़ और नवाबशाह में भी शौक पूरा करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर, खारान, वाशिक, उमाड़ा, पिस्नी में शिकार होगा। गवादर, शोब, लड़ी, सिब्बी, डोमकी भी UAE हुक्मरानों के रहमो करम पर होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक शिकार की फीस $1,00,000, परिंदा साथ ले जाने पर $10,000 पेशगी अदा करने होंगे। सूबाई हुकूमतें परमिट का इजरा, सफारतखाने रकम की अदायगी यकीनी बनाएंगे। वजारत खारजा ने नायाब परिंदों के शिकार के लिए नया जाब्ता कार 2019-20 भी जारी कर दिया है। और सर्दियों की आमद आमद है, इस्लामाबाद में ड्राई फ्रूट खाने के शौकीन महंगाई से तंग तो हैं मगर ड्राई फ्रूट के बगैर सर्दियां गुजारने को तैयार नहीं। जी हां, इस्लामाबाद से कामरान जमील की रिपोर्ट। सर्दी की आमद के साथ शहरी ड्राई फ्रूट लेने निकल पड़े, किसी ने लिए पिस्ते बादाम तो कोई चलगोजे के दाम सुन के हुआ हैरान। पिस्ता लिया है, 1 पाव ₹1,000 ऑलमोस्ट मिलता है, वो तो थोड़ा थोड़ा भी लिया मैंने। चलगोजा वगैरह मिल नहीं रहा, वरना वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी तो बहुत महंगा हो गया, हर चीज़ बहुत महंगी है। रोस्टेड काजू खाते हैं, प्लेन काजू खाते हैं, पिस्ते भी शौक से खाते हैं। हाँ, चाहे गरीबी है पर जो लोग खाने वाले हैं वो डेफिनेटली खाएंगे। दुकानदारों ने भी ड्राई फ्रूट के फायदे गिनवाए मगर महंगाई से परेशान नजर आए। इंसान को जिस्म को ताकत देता है, एनर्जी देता है, गर्म चीज है, सर्दी में ज्यादा चलता, लेकिन इस साल महंगाई की वजह से कोई वो जोश खरोश नहीं है जो होना था पहले। शहरियों का कहना है कि महंगाई जरूर है पर कैसे मुमकिन है कि सर्दी आए और ड्राई फ्रूट ना खाया जाए। मौसम बदला तो शहरियों का मिजाज भी बदल गया। सर्दी की आमद के साथ ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स का रुख कर लिया। शहरी ड्राई फ्रूट तो ले रहे हैं मगर महंगाई से नालां भी हैं। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ कामरान जमील, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। और माजूरी मजबूरी नहीं होती, हाथों से माजूर क्वेटा की 14 साल अली गौहर ने पैरों के जरिए पेंटिंग का शानदार मुजाहरा करके सेहतमंद अफराद को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया। क्वेटा से रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। पैरों की उंगलियों में पेंसिल और ब्रश थामे मुसवरी के शाहकार बनाता ये है 14 साल अली गोहर। 6 साल कबल पतंगबाजी के दौरान ग्रंट लगने से इसके दोनों हाथ झुलस गए। डॉक्टर ने इसकी जान बचाने के लिए इसके दोनों हाथ काट दिए मगर इस बाहिम्मत बच्चे ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। मुसलसल कोशिश, अहले खाना और अपने असाजा के हौसले से आज इस काबिल हो चुका है कि अपने पैरों से स्केचिंग और कैनवास पर रंग बिखेरने का माहिर है। टैलेंट हर इंसान में होता है, चाहे वो माजूर हो या नहीं, सही हो, दोनों में होता है, बस उसको लाने में मेहनत चाहिए। अली गोहर नवी जमात में पढ़ता है। जहीन और तालीम दोस्त ये तालिबिल्म हर क्लास में नुमाया पोजीशन हासिल करता आ रहा है। आसमान की बुलंदियों को छूने का ख्वाहिशमंद ये बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। ये इस बात पर मुतमइन है कि वो सिर्फ हाथों से माजूर है, जहनी तौर पर नहीं। तो हाथ कटे लेकिन मैंने अपना हिम्मत ना हारा क्योंकि
ہاتھ کٹنے سے دماغ کو تو چوٹ نہیں پہنچتا نا, تو دماغ سے میں نے کام لیا اور میں ابھی تک ایک پینٹر بھی ہوں. اس باہمت بچے کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں, کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہاتھ اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے, بس دماغ اور مثبت سوچ کا ہونا ضروری ہے. ناداں ہیں وہ لوگ جو ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ کرتے ہیں, قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. علی گوہر نے ہاتھ کٹ جانے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور آج اس کی یہ ہمت اس کی قسمت بھی بدل رہی ہے. کیمرہ مین عبید جان کے ساتھ بشرا کمر, 92 نیوز, کوئٹہ.